नमस्कार मित्रों, आप लोगों का मेरे टेरेस पर स्वागत है। तो देखिए, आज मैं ये प्याज जो हम लोग यूज करते हैं खाने में, तो प्याज तो यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसका छिलका जो है कि हम लोग फेंक देते हैं कूड़ा समझ के। तो आप लोग इस प्याज के छिलके को अब फेंकिए नहीं। यदि आप गार्डनिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो प्याज के छिलके को आप कूड़ेदान में न फेंकें। इसका हम लोग आज एक फर्टिलाइज़र बनाएंगे, जो कि बहुत ही शक्तिशाली फर्टिलाइज़र होगा और वो सारे पौधों में आप ऐड कर सकते हैं, इस प्याज के छिलके से बना हुआ फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए क्या करें कि इस प्याज के छिलके को, ये जो ऊपरी छिलका होता है एकदम पतला पतला, ये देखें जो एकदम पतला पतला छिलका होता है, इसको आप इस तरह से निकालें, गूदे वाला नहीं, ये पतला पतला जो ये छिलका होता है इसका यूज करेंगे हम फर्टिलाइज़र बनाने में। तो पहले ये देखिए कि इस प्याज के छिलके से हमारे पौधों को क्या मिलता है। तो इस प्याज के छिलके में पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सल्फर और बहुत सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं, जो कि एक पौधे की ग्रोथ के लिए, फ्रूटिंग के लिए और फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए आज हम लोग इस प्याज के छिलके से फर्टिलाइज़र बनाएंगे। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए क्या करें कि प्याज का छिलका ले लें। मान लीजिए थोड़ा थोड़ा प्याज रोज़ यूज हो रहा है आपके किचन में, तो 3-4 दिन के प्याज का छिलका इकट्ठा कर लें। देखिए मैं इस तरह से इकट्ठा कर ली हूँ। प्याज का छिलका ले लें और इस तरह से एक डिब्बा ले लें प्लास्टिक का, जिस पर इस तरह से ढक्कन लगा हो, और इसमें ये 2 लीटर का डिब्बा है, तो इसमें क्या करेंगे हम 3 मुट्ठी इस प्याज के छिलके को डालेंगे। दो, तीन मुट्ठी है ये प्याज का छिलका, और इसे पानी से इस तरह से भर देंगे। पूरा नहीं भरेंगे, थोड़ा सा खाली रखेंगे। इस तरह से थोड़ा सा खाली रखेंगे और ऊपर से इस ढक्कन को लगा देंगे। तो इस तरह से छायादार स्थान में इस तरह से ढक्कन लगा करके रख दें, और दिन में 2-3 बार किसी स्टिक से इस तरह से चलाते रहें। और ये फर्टिलाइज़र आपका कम से कम 24 से 48 घंटे तक रखे बनने के लिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4-5 दिन तक भी आप रख सकते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनने के लिए। तो मैं इसे 48 घंटे तक इस तरह से रख दूँगी फर्टिलाइज़र बनने के लिए। मैं पहले से ही इस डब्बे में रख दी थी बनने के लिए इस फर्टिलाइज़र को, तो इसे मैं साइड में कर देती हूँ। और इसे देखिए 48 घंटे तक हो गया है और ये फर्टिलाइज़र एकदम से तैयार है प्याज के छिलके का। तो ये अब इसे हम लोग छान लेते हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए क्या करें कि इस तरह से मग ले लें और उसमें देखिए इस तरह से 2 मग फर्टिलाइज़र ले लें। देखिए एकदम कलर चेंज हो गया है इसका पानी का, और 4 मग पानी, 1, 2, 3, 4, ये 4 मग पानी। देखिए ये फर्टिलाइज़र एकदम से तैयार है। तो अब मैं इसे सारे अपने छत के पौधों पर दूंगी और फिर फ्रंट गार्डन में ले जाऊंगी, सारे सब्जियों वाले और फूलों वाले पौधों में ऐड करूंगी। तो चलिए इसे ऐड करते हैं। इस तरह से देखिए सारे पौधों में, चाहे सब्जी वाला हो चाहे फूलों वाला हो,
चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर, सब में आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और इस लिक्विड फर्टिलाइजर का आप स्प्रे भी कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ये एक पेस्टिसाइड भी है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के रूप में भी इस प्याज के छिलके के फर्टिलाइजर का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं अपने पौधों पर। और इस फर्टिलाइजर का प्रयोग आप हफ्ते में एक बार जरूर करें। इस तरह से सारे पौधे में आप स्प्रे भी कर सकते हैं इस तरह से। और इस तरह से, और ये जो है कि यदि बच गया जो लिक्विड, ये देखिए ये लिक्विड जो बच गया है, तो इसे क्या करें, किसी बाटल में इस तरह से स्टोर करके आप रख दें। ये ख़राब नहीं होगा, इसे आप महीनों दिन तक रख सकते हैं स्टोर करके। और जब भी आपके किसी पौधे में डालना हो इस फर्टिलाइजर को, प्याज के छिलके से बना हुआ ये फर्टिलाइजर जो है कि पोटेशियम रिच है, और जो भी पौधे में फूल नहीं आ रहा है, फल नहीं लग रहा है, तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग करने के लिए प्याज के छिलके का फर्टिलाइजर आप एक बार ज़रूर से बनाएं और अपने पौधे में ऐड करें। तो इस तरह से आप इस फर्टिलाइजर को स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब भी आपको आवश्यकता हो आप पौधों में इस तरह से पानी में डाइल्यूट करके सारे पौधों में ऐड करें। और जो फर्टिलाइजर हम यूज कर चुके हैं, तो इस प्याज के छिलके को फेंकें नहीं, या तो आप कंपोस्ट बिन में डाल दें कंपोस्ट बना रहे हैं तो, नहीं तो फिर से इसमें इस तरह से पानी भर के आप रख दें, फिर उसी तरह से करें, छायादार स्थान पर रख दें और स्टिक से दिन में 2-3 बार चला दें, फिर से आप देखेंगे तो 3-4 दिन में फिर से ये फर्टिलाइजर बन करके तैयार हो जाएगा। तो आप दोबारा फिर इस प्याज के छिलके का फर्टिलाइजर फिर से आप अपने पौधों में ऐड कर सकेंगे। कोई भी फर्टिलाइजर आप शाम के समय यूज करें अपने पौधों पर, और पाट की मिट्टी की गुड़ाई कर दें ताकि पौधा जो है कि अच्छी तरह से फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब कर ले, और मिट्टी में चारों तरफ जो फर्टिलाइजर हम डालते हैं वो पहुंच जाए। देखिए फ्रंट में लगी हुई सारी सब्जियां जो हैं कि, देखिए मिर्च है जिसकी प्रूनिंग मैं की थी फरवरी में, तो देखिए इसमें बहुत सारे फ्लावर आए हैं और मिर्च भी बढ़ रही है। तो मैं इस प्याज के छिलके का फर्टिलाइजर इस मिर्च में भी ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा, और ये टमाटर लगाई हूँ तो सारे टमाटर में इस तरह से ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर देखिए भिंडी जो लगाई थी तो उसमें देखिए भिंडियाँ बन रही हैं, इस तरह से इस सारे भिंडी में मैं ये डालूंगी। और यहाँ पर देखिए बैंगन है, तो इस बैंगन में भी, तो इस तरह से मैं सारे फ्रंट के पौधों में मैं इस प्याज के छिलके का बना हुआ फर्टिलाइजर सब में ऐड कर दूंगी। लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके आप भी अपने सारे पौधों में ऐड करें, चाहे पौधा किसी भी स्टेज में हो, छोटा हो बड़ा हो, फ्लावरिंग कर रहा है फ्रूटिंग कर रहा है, मतलब सारे पौधों में आप सारे स्टेज पर और किसी भी मौसम में आप इस प्याज के छिलके का फर्टिलाइजर बना करके ज़रूर से ऐड करें। और जो भी पौधा आपका फल फूल नहीं रहा है उसमें भी प्रयोग करें, और इसके बाद रिजल्ट क्या मिला आपको कमेंट में ज़रूर से बताएं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो यही निवेदन है आपसे कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।